हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑसम जीनोम पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे न्यू गेम्स जो कि 2019 में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और इन गेम्स की खास बात ये है कि ये लो एंड डिवाइसेस पे भी बहुत इजीली चल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला गेम है बैटल ब्लॉब्स 3v3 मल्टीप्लेयर। अब दोस्तों, ये गेम बहुत हद तक ब्रॉल स्टार से मैच करता है। तो इस गेम में आपको वाटर स्प्लैश फेंकने वाली बहुत सारी न्यू गन्स मिलेंगी जो कि यार देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगती हैं। तो इस गेम में बेसिकली होता ये है कि आपकी टीम होती है 3 प्लेयर्स की और एनिमी की टीम भी होती है 3 प्लेयर्स की, और आपको एनिमी टीम से बचते हुए गो ब्लास्टर को पिक करना पड़ता है जिससे कि आपका कंट्रोल पॉइंट फिल होने लगता है। और एक बार जब आपका कंट्रोल पॉइंट फिल हो जाएगा, उसके बाद आपको एक पावर पोशन मिलेगा जिसे यूज करना होगा आपको अपने एनिमी के बेसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट गेम है डॉन ऑफ आइल्स। तो इस गेम को भी नेटइज ने डेवलप किया है। अगर आपने रूल्स ऑफ सर्वाइवल खेल रखा होगा तो आपको नेटइज के बारे में तो जरूर पता होगा। वही बात करें इस गेम की तो ये एक रोल प्लेइंग एडवेंचर गेम है, और इस गेम में आपको रिसोर्सेस कलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ट्रीज को काट के हम वुड्स कलेक्ट कर सकते हैं, और आप इस गेम में फिशिंग और फार्मिंग जैसे चीजें भी कर सकते हो। इसके बाद आप रिसोर्सेस से अपना बेस बना सकते हो, नए नए वेपन्स बना सकते हो और अपने वेपन्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आप नए नए रिसोर्सेस को फाइंड करके उनसे बहुत सारे मैजिकल आइटम्स और वेपन्स भी बना सकते हो। तो अगर आपको भी क्राफ्ट से रिलेटेड गेम पसंद है तो ये गेम आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट गेम है मार्वल हीरो टेल्स। अब दोस्तों, ये गेम 7 से 11 साल के बच्चों के लिए एक एजुकेशन गेम है। तो इस गेम में बेसिकली आपको करना ये होता है, आपका सुपर हीरो कहीं पे होता है, जैसे कि स्पाइडरमैन किसी सिटीजन को बचाने जा रहा है, तो वहाँ पे उसे क्या क्या करना पड़ेगा वो आपको वर्ड से डिसाइड करना होगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा फन और बहुत ही अच्छा गेम है ये, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 7 से 11 साल के बच्चे ही खेल सकते हैं। ये बहुत ही फन और एक यूनिक गेम है, और मैं इसे जरूर खेलूंगा, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे जरूर खेलना। तो हमारा नेक्स्ट गेम है नॉनस्टॉप नाइट 2, और ये एक सीक्वल है अपने प्रीवियस गेम का जो कि था नॉनस्टॉप नाइट। और ये गेम भी एक रोल प्लेइंग गेम है जिसमें हम एक नाइट हैं और हमें कैसल के डंगियंस में जाना पड़ता है और वहाँ पे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ती है, और इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर बॉसेस भी आते हैं जिन्हें बीट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, आप लोग अपने नाइट के स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, नए नए वेपन्स और आर्मर्स भी कलेक्ट कर सकते हो, और इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ टीम अप भी कर सकते हो। तो काफी अच्छा और क्यूट लुकिंग गेम है, आप इसे जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों, ये थे 2019 के कुछ बहुत ही अच्छे लाइटवेट कैजुअल गेम्स जो कि आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन पे चला सकते हो। और कुछ टाइम पहले आप लोगों ने मुझसे लाइटवेट कैजुअल गेम का सजेशन मांगा था, सो आई थिंक मैंने इसका आंसर दे दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि इन गेम्स का भी गेम प्ले मैं बहुत ही जल्दी चैनल पे अपलोड करूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.